फिल नहीं किए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर चाहे आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, किसी का नाम नाम राजेंद्र सिंह चौधरी है और उसने राजेंद्र चौधरी लिख दिया, सिंह उड़ा दिया। इन चीज़ों का आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके देखी जाएंगी और उस समय आपका फॉर्म रिजेक्ट होएगा। इसलिए नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आर्या, डायरेक्टर आर्यन अकेडमी, आर्यन स्पोर्ट्स स्कूल जयपुर। आज आपको CISF की जो स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती निकली है उसमें किस तरीके से फॉर्म फिल करते हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो अभी इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं हाउ टू फिल द फॉर्म्स प्रॉपरली, क्योंकि अगर आपने फॉर्म सही से फिल नहीं किए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर चाहे आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हुआ हूँ, स्पोर्ट्स कोटे की नौकरी मैंने भी करी है, बेल्ट की नौकरी करी है। तो एक खिलाड़ी का जब भविष्य बर्बाद होता है एक छोटी सी गलती की वजह से, तो वो एक बहुत बड़ा लॉस होता है उसके फ्यूचर के लिए, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पदक प्राप्त किया होता है। तो कहीं हम छोटी सी गलती के चक्कर में रिजेक्ट नहीं हो जाएं, उसके बारे में हम इस एपिसोड के अंदर बात कर लेते हैं। फॉर्म फिलिंग, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि CISF के अंदर ऑनलाइन आपको फॉर्म सबमिशन करना है। उस ऑनलाइन फॉर्म को सबमिशन करने के लिए आप अपने दोस्त या कोई अच्छा ई मित्र वाला व्यक्ति, पढ़ा लिखा अच्छा ई मित्र वाला व्यक्ति जिसकी अच्छी रेपुटेशन हो, उससे आप मिलिए। उसके पास बैठ के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे खिलाड़ी भाइयों को ज़्यादा कंप्यूटर्स का नॉलेज नहीं होता। स्कैनिंग है, PDF बनाना है, कितने साइज़ का PDF बनाना है, कितने साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, बहुत सारी इसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा या होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा और प्रॉपर तरीके से, जो एक जानकार व्यक्ति है, क्योंकि अनजान व्यक्ति है, उसने अगर आपका फॉर्म भरा बाई चांस, उसने कोई गलती कर दी, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा, वो इरिवर्सिबल लॉस होता है, उसकी कोई अपील नहीं हो पाती है। तो इसलिए आप जानकार व्यक्ति, लोग बता देते हैं कि फलां व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसने मेरे भी फॉर्म्स भरे थे। और जनरली जो लोग, कुछ लोग होते हैं एक्सपर्ट होते हैं फॉर्म फिलिंग के अंदर, लेकिन आप पूरा उस पर भी विश्वास मत करिए, स्वयं पूरा देखिए। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है आप मेरे को मैसेज से पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं हम फॉर्म फिलिंग। CISF की जो प्रॉपर वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। प्रॉपर वेबसाइट जैसे है, मैंने बताया बताया था कि आप फाइल बना लीजिए, उन फाइल में सारे आपने डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं अपने। अब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कई बार ये देखा जाता है कि कई डॉक्यूमेंट्स हम पर्स में रखते हैं और वो घिस जाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड है, उसके ऊपर नंबर नहीं आ रहे, या हमने पैन कार्ड घिस गया और हम उसी को स्कैन करके भेज रहे हैं। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि भाई वो जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको आराम से पढ़ाई में आनी चाहिए। अगर आपके पढ़ाई में आ रही हैं तो अगले के भी आएंगी। फिर स्कैनिंग, स्कैनिंग आप कैसे इक्विपमेंट से स्कैन कर रहे हैं, किस तरीके के कैमरे से स्कैन कर रहे हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करना है। 1 MB से उनकी ऊपर साइज नहीं होनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इन टेक्निकल चीज़ों के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ, आप ई मित्र वाले की या कोई एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं जो कि जनरली फॉर्म वगैरह भरते हैं। जो भी नए कैंडिडेट्स हैं उनको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ताकि आपको उसके अंदर एक यूनिक आईडी जनरेट होगी। यूनिक आईडी जो जनरेट होती है वो हमारे को हमेशा CISF में, यदि हमको कोई भी रिक्रूटमेंट, अगली कोई भर्ती रैली में भी अपने को अप्लाई करना है, तो आप उसको लॉगिन करके उसी सेम आईडी के तहत अप्लाई कर सकते हो। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको अपने कुछ डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। इसमें आपका नाम हो गया, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीज़ें आप उसमें डालते हैं। तो उसके बाद में आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें आपको ईमेल आईडी भी डालनी है, उसमें आपको अपने मोबाइल नंबर भी डालने हैं। इनको ध्यान से आप डालिएगा क्योंकि जो मोबाइल नंबर आप उसमें डालेंगे उसी पे OTP आएगा, उसी पे कल को कोई भी कन्वर्सेशन है या कोई मैसेज है या आपके नेक्स्ट स्टेज के ऊपर या कोई कॉल लेटर का है, आगे तक वो सारी चीज़ें रजिस्टर्ड हो जाएंगी आपकी CISF की वेबसाइट पे। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको ध्यान से डालना है। जैसे ही आप ये सारा पहली जो स्टेज आप पूरी करते हैं, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, यूनिक आईडी और आपको पासवर्ड मिल जाता है, तो अब आप नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट स्टेज के अंदर आपको लॉगिन करना है। उसको लॉगिन कैसे करेंगे आप, जो आपका यूनिक आईडी और पासवर्ड आपको मिला है उससे आप लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका नाम और जो आपकी डिटेल्स आपने उसमें डाली थी वो सारी उसके अंदर आ जाएंगी। आपका जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, वो क्लास 10th से उठाया जाएगा। मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट को सबसे ज़्यादा मायना दिया जाता है क्योंकि 12वीं मिनिमम एलिजिबिलिटी मानी
है इस फोर्स के लिए, इस हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट है इसके लिए, तो 10th की सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और 10th की सर्टिफिकेट में जो DOB है वो ही मान्य होगी। उसको कंपेयर किया जाएगा आधार कार्ड की DOB से, उसको बाकी डॉक्यूमेंट्स की DOB से भी कंपेयर किया जाएगा। ज़्यादातर लोग इस पे ध्यान नहीं देते, अलग अलग DOB लिखवा देते हैं। अगर आपने 10th में जो लिखी हुई है वही वहाँ होनी चाहिए, उसमें जो आपने नाम लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग देखिएगा, सेम स्पेलिंग आपकी आधार कार्ड में होनी चाहिए, पैन कार्ड में होनी चाहिए, या जो भी DL वगैरह आप अप्लाई कर रहे हैं साथ में दे रहे हैं उनमें होनी चाहिए। अगर उसमें कोई त्रुटि है, जैसे कि आप कई लोग हैं उनका सरनेम मान लीजिए मनोज शर्मा है और उसमें सिर्फ मनोज लिखा हुआ है, या किसी का नाम राजेंद्र सिंह चौधरी है और उसने राजेंद्र चौधरी लिख दिया, सिंह उड़ा दिया, इन चीज़ों का आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके देखी जाएंगी और उस समय आपका फॉर्म रिजेक्ट होएगा। इसलिए जो डॉक्यूमेंटेशंस में आपके 10th में है वही 12th में होना चाहिए, वही बाकी में होना चाहिए, नहीं है तो उसको आप तुरंत प्रभाव से सही करवा लें, क्योंकि आगे जाके आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई भी मौका नहीं देगा। तो जब अगर हमने ये सारी चीज़ें देख ली, ये सारी डिटेल्स हमारे पास में हैं और हमको अब आना है नेक्स्ट स्टेज पे स्कैन करने में, अच्छी जगह से आप स्कैन कराइए, उसको सबको रेडी कर लीजिए, चेक कर लीजिए वो प्रॉपर MB के अंदर है, बड़ी फाइल्स नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग फ़ोटो पुरानी उठा के लगा देते हैं, आधार कार्ड में भी आप अगर देखेंगे तो आधार कार्ड में आपको 10 साल पुरानी फ़ोटो उसके अंदर लगी हुई है, वो कुछ समय क्लास 5th में था और आज वो ग्रेजुएशन कर चुका है। तो लेटेस्ट फोटोग्राफ से उसको भी अपडेट रखें आप, आधार कार्ड को भी। और रही जो फॉर्म फिलिंग के लिए CISF की, वो फ़ोटो आप रिसेंट खिंचाएं, जाके एक कोई भी स्टूडियो में उनको बताएं कि हमको पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचानी है, आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए, आपका चश्मा नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, आपकी टोपी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल फोटोग्राफर से आप फोटोग्राफ खिंचवाएं, उसके अंदर उस दिन की तारीख दिनांक ज़रूर से मेंशन कराएं। और एक गलती कभी नहीं करें, किसी ने यदि पहले कोई फ़ोटो खींची हुई है उस पर वो पेन से दिनांक लिख रहा है, वो चीज़ें नहीं चलेंगी, वो ऑटोमेटिक जनरेटेड डेट होती है जो कि आप फोटोग्राफर को बोलेंगे तो उसमें जनरेट होके आएगी। मैं इसके अंदर सैंपल भी आपको उसका दिखाऊंगा। साफ़ सुथरी क्लियर फोटोग्राफ होनी चाहिए, ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए, ना आपका कोई डॉक्यूमेंट ब्लर्ड होना चाहिए। ब्लर्ड का मतलब क्या, जब आप उसकी फ़ोटो ले रहे हैं स्कैनिंग कर रहे हैं उसमें हिल गई, या वो आपका कैमरा सही नहीं है तो वो ब्लर्ड हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी। जब वो वहाँ पे उसको चेक करेंगे तो आप जैसे हज़ारों कैंडिडेट्स के वहाँ पे फॉर्म आते हैं जिनके ब्लर्ड हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है बिना कोई कारण बताए। तो इसलिए आप इन चीज़ों का पहले से ही ध्यान रख लीजिए। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं आपने सारे के सारे फॉर्म्स उसके अंदर डिटेल्स डाल दी, जो भी डिटेल मांगी गई हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद में उसमें आता है प्रीव्यू। आप उस प्रीव्यू के बटन को दबा के उसको अच्छे से चेक कर लें, औरों से भी चेक करा लें, एक एक फिगर को पढ़ लें कि आपकी जन्म तिथि, आपका एड्रेस, या आपके माताजी का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एवरीथिंग उसके अंदर सही तरीके से आ रहा है। सर्टिफिकेट्स के अंदर डेट, पार्टिसिपेशन डेट, नीचे जो सिग्नेचर होते हैं, सब चीज़ें सही आ रही हैं, उनको आप प्रीव्यू करके ज़रूर से देखें। ऐसे नहीं कि आपने स्कैन करके अटैच करके और सबमिट कर दिया, सबमिट होने के बाद में कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो सबमिट हो गया, इसलिए उससे पहले उसको देख लें। सारी चीज़ें आप उसमें देख लेंगे, ओके है डॉक्यूमेंट्स, फिर आपको नेक्स्ट स्टेज आता है पेमेंट का। पेमेंट का जैसे आप लिंक दबाएंगे तो 100 रुपये का पेमेंट है, SC ST और महिलाओं के लिए वो 100 रुपये माफ़ हैं, वो उनको नहीं देने, बाकी जो भी OBC हों चाहे जनरल हों सबको 100 रुपये का पेमेंट करना है। 100 रुपये का पेमेंट आप उसके अंदर ऑप्शंस आते हैं जिसके अंदर डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आप इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, UPI से भी आप कर सकते हैं, और ये सब जिनसे नहीं हो रहा अगर वो SBI से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसके लिए मना करूँगा क्योंकि वो एक लंबी प्रक्रिया है, आपको चालान का फॉर्म निकालना पड़ेगा, फिर आपको स्टेट बैंक में जाके वहाँ पैसा जमा कराना है, और फिर उसके बाद में वो उसको उनको पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे, फिर एक ID जनरेट होगी, उसमें 48 घंटे मिनिमम लगते हैं, कई बार 5-5 दिन भी लग जाते हैं। आप स्वयं नहीं हो तो किसी भी दोस्त से, पिताजी के उससे, भाई के, कहीं से भी आप UPI के थ्रू उसको 100 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आने के बाद में आपका प्रिंटआउट का ऑप्शन आता है, प्रिंटआउट आप उसके अंदर से निकाल लेंगे तो वो प्रिंटआउट आपके काम आएगा आगे, जब आप वहाँ पे आपको ट्रायल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे वहाँ पे आएगा। तो अब ये जो आपने सारी के सारा ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, फॉर्म भर दिया है, तो इसके साथ अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग आपने इसमें करी है, जो जो डिटेल्स इसमें डाली है, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करके ले जाने हैं,
उनको आप कैरी करके ले जाइए, उनके अंदर आप प्रॉपर लेमिनेट करके रखिए उन डॉक्यूमेंट्स को, कहीं भीग गए, कुछ भी हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ हो गई तो वो फिर काम नहीं आएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद ही आपको वो प्रथम स्टेज जो उसके बाद आएगी, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल ट्रायल, जो आपकी एक ट्रायल होगी वहाँ पे, उस ट्रायल के लिए आपको ये सारी चीज़ें पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर आपको एक स्कैंड सिग्नेचर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो ई मित्र वाले आपको हेल्प कर देंगे, वो बना देंगे स्कैंड सिग्नेचर, उसके भी एक पर्टिकुलर साइज़ होती है, वो साइज़ उसके अंदर मेंशनड है। आप उसको, इसके अंदर कुछ एनेक्स्चर्स हैं, लगभग 7 एनेक्स्चर हैं और 4 फॉर्म हैं, 1 2 3 4 ABCD, ये फॉर्म के